नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 6 Pro 5G versus OnePlus 9 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में 6.3 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में 2.88 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 6 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 6 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 6 Pro 5G में 177 ग्राम्स जबकि OnePlus 9 Pro में 197 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 6 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में AMOLED जबकि OnePlus 9 Pro में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में 6.55 इंचेस जबकि OnePlus 9 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 6 Pro 5G में 1080x2400 और OnePlus 9 Pro में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 6 Pro 5G में 88.56% जबकि OnePlus 9 Pro में 90.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 6 Pro 5G में 402 पिक्सल प्रति इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और OnePlus 9 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और OnePlus 9 Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और OnePlus 9 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में Mali-G77MC9 जबकि OnePlus 9 Pro में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और OnePlus 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 6 Pro 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि OnePlus 9 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Reno 6 Pro 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि OnePlus 9 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Reno 6 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि OnePlus 9 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रेनो 6 प्रो 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,680 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें OnePlus 9 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 64,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 69,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 9 Pro की तो उसमें 9 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus 9 Pro आगे है, मेन कैमरा में रेनो 6 प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में OnePlus 9 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F19 Pro Plus 5G है जो कि 23,990 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S25 5G है जो कि 47,999 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus Nord Save 5G है जो कि 27,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Eco Z5 5G है जो कि 23,990 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।